Assalamualaikum। तो हाई गाइज, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम इस तरह की स्प्लैश फोटो एडिटिंग करेंगे पिक्सार टेप की मदद से। मेरा नाम है फिदा हुसैन और आप देख रहे हैं FHP Edits YouTube चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पिक्सार टेप को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ से प्लस के आइकन पे क्लिक करके एक वाइट कलर जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से वाइट कलर को। उसके बाद टूल्स पे क्लिक करके इसका साइज जो है क्रॉप कर लेना है। यहाँ से टूल्स पे क्लिक करके क्रॉप सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे 3x4 का जो साइज है इसको सेलेक्ट करके राइट डन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ड्रॉ के टूल्स को यूज़ करना है। यहाँ पे ड्रॉ पे आके यहाँ पे एक एम्प्टी लेयर ऑटोमेटिकली आ गया है। इसमें हमें स्प्लैश की PNG है वो ऐड कर लेनी है। ऐड फोटो पे जाके यहाँ से ये स्प्लैश की PNG है इसको ऐड कर लेना है। उसके बाद इसको पूरे पिक्चर पे एडजस्ट कर लेना है। यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके ट्रांसफॉर्म करके इसको इस तरह से पूरे पिक्चर पे एडजस्ट कर लेना है। ये PNG वगैरह जो भी मैं पिक्चर यूज़ करूँगा वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको इस तरह से एडजस्ट करके राइट डन कर देना है। के बाद इसका ब्लेंडिंग मोड जो है वो XOR कर देना है। XOR करके यहाँ से प्लस के आइकन पे क्लिक करके एक फोटो लेयर ऐड कर लेना है। उसके बाद मॉडल की फ़ोटो जो है वो ऐड कर लेनी है। यहाँ पे फोटो ऐड करने के बाद इसका भी साइज 3x4 कर देना है। इसको राइट डन कर देना है यहाँ से। उसके बाद इसका भी जो ब्लेंडिंग मोड है ओवरले कर देना है। इसका ब्लेंडिंग मोड ओवरले कर देना है। उसके बाद इसको 3 डॉट पे क्लिक करके इसका भी ट्रांसफॉर्म करके सेलेक्ट करके इसको भी इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे इस तरह से जूम करके सेंटर में जिस तरह अच्छा लगे वैसे इसको एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद राइट टर्न कर देना है इसको। उसके बाद यहाँ पे ये PNG वाली पिक्चर सेलेक्ट करके इसको मर्ज कर देना है। 3 डॉट्स पे क्लिक करके इसको मर्ज कर देना है। फिर ऊपर वाली सेलेक्ट करके पिक्चर इसको भी मर्ज कर देना है। उसके बाद यहाँ से राइट डन कर देना है। उसके बाद यहाँ से ऐड फोटो पे जाना है। कुछ PNGs हैं वो ऐड कर लेनी है, कलर्स की वो भी यहाँ पर लगा देनी है। मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ दोनों PNG। ये वाली जो PNG है यहाँ नीचे लगा देनी है इस तरह करके, तरह से एडजस्ट कर लेना है इसको। उसके बाद ऊपर वाली को भी यहाँ कोने में सेट कर देना है। उसके बाद राइट डन कर देना है। उसके बाद आपकी पिक्चर रेडी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।